हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल आज बात करेंगे ओडिशा यूनिवर्सिटी के कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जिसके फोर पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आज करेंगे हम पार्ट फाइवी 65 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करते हैं विच ऑफ दीज टर्म्स रेफर टू दी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ गिवन लैंग्वेज एंड द फंक्शन विद इन द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज द करेक्ट आंसर इज Phonetics. Phonetics, the study of speech sounds and their uh, physiological production and acoustic qualities. 67. Which of the following is the study of the meaning of the words and the development of the meaning of the words? The correct answer here is semantics. How do syntax and semantics differ in their role in language? करेक्ट आंसर इज सिंट इज समथिंग जो कीटिकल और मीनिंग की से रिलेटेड होती है ऑप्शन ए इज कारेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारन सत्याग्रह वॉज लेड बाई गांधी टू प्रोटेस्ट दल्टिवेशन ऑफ ऑप्शन सी इंडिगो शायद आप सभी ने क्लास 12 में ये चैप्टर भी पढ़ा होगा गुण तो विच दी हिस्टोरिक सत्याग्रह। अगर आपने 12 में चैप्टर पढ़ा है, तो ये नाम भी जानते होंगे। इंडियन आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक रिटन बाय नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन इकोनोमिस्ट अमर्न असिम्प्लीफाइड लैंग्वेज क्रिएटेड

According to Cesar, the general system that governs the language and is intelligible is called option C, that is, long. Next question What is the appropriate order of paragraph? The correct answer is topic, sentence, evidence, and explanation.

कौन सी चीज कौन सा एक्सर्ट कौन सा रेफरेंस कहा से लिया गया है वो मैंशन करना बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इन इंडिया The correct answer is recovery of India's past spiritual knowledge. The recovery of old spiritual knowledge and experience in all its splendor, depth and fullness that is the first most essential job for the renaissance of India. MLA the commonly used style sheet to write papers and cite resources in humanities stands for MLA is the acronym for Modern Language Association, Modern Language Association of Option D. This is a group that sets formatting guidelines for academic writing in humanities. Question 80. The rights common to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status is called human rights. In Janewale rights. Human rights include.

ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी काम आ सकते हैं आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स ड्यूरिंग दीज वीडियोस कि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे और बहुत काम आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इट दी नेक्स्ट ईयर्स एम इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम और द यूजीसी नेट एग्जाम और एनी अदर लिटरेरी एग्जाम्स लिट्ररी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो अ ग्रेट गुड लक प्लीज़ डो नॉट फॉगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कॉमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग